आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मॉडल शॉप के कर्मचारी की हत्या के मामले में रामगढ़ताल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नवागत सीओ ने कहा शेष अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। खोराबर थाना क्षेत्र में 2 प्रॉपर्टी डीलर के बीच पैसों के लेन देन के हुए विवाद में अमर पासवान के घर पर मनबड़ों ने की अंधाधुंध फायरिंग, हुए फरार। SPCT ने कहा आरोपियों के खिलाफ किया गया है नामजद मुकदमा दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की बैठक, विभाग के कार्यों पर जताई नाराजगी, कहा व्यवस्था सुधार कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति करे विभाग। शादी समारोह को लेकर शासन ने जारी किया नया गाइडलाइन, अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। AGM City ने कहा मास्क व सोशल डिस्टेंस का करना होगा पालन, कार्यक्रम के मेन गेट पर स्थापित करना होगा कोविड हेल्प डेस्क। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक, वैक्सीनेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। 3 अक्टूबर को जनपद के 39 केंद्रों पर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होगा स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की परीक्षा। शुक्रवार को NXC सभागार में सभी सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों को दिया गया प्रशिक्षण। AGM City ने कहा सुचिता पूर्वक संपन्न कराई जाएगी परीक्षा। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 160 केंद्रों पर 48,507 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। पहली डोज लेने वालों में 33,524 और दूसरी डोज लेने वालों में 14,983 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा पहली डोज के बाद दूसरी डोज भी लगवाना है आवश्यक, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक दीवानी न्यायालय परिसर में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। शहर व गांव में विधिक सेवा की गतिविधियों से लोगों को किया जाएगा जागरूक, दी जाएगी विधिक सहायता। भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वाधान में आयोजित हुआ आत्मनिर्भर भारत अभियान विषय पर संगोष्ठी, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सिखाया गया गुर। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा PM मोदी का है सपना, देश बने आत्मनिर्भर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को दी गई यातायात नियमों की जानकारी। SP ट्रैफिक ने कहा जीवन है अनमोल, करें यातायात नियमों का पालन, रहें सुरक्षित। गोरखपुर में शुक्रवार को मिला 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,418। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 13 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वयं सहायता समूहों की 1 दिवसीय कार्यशाला, शासन के योजनाओं की दी गई जानकारी। राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर एवं रक्तदाता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, कहा रक्तदान करना और करवाना ईश्वर की है सर्वश्रेष्ठ पूजा। शुक्रवार को जिले में हुई 33.6 मिलीलीटर बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत लेकिन दिनचर्या हुई प्रभावित। आपदा विशेषज्ञ ने कहा 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश के हैं आसार।